मेरा नाम है डॉक्टर फायजा सोडर। करंटली मैं सर्व कर रही हूँ एज डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP UT इन डिस्ट्रिक्ट मलिर कराची। अच्छा, PCS में स्क्रीनिंग टेस्ट है बहुत पहले से ही, अब तो CSS में भी आ गया है। उसमें भी पहले आपको स्क्रीनिंग पास करनी पड़ती है, फिर आप एलिजिबल होते हैं फॉर थियरी। तो स्क्रीनिंग के लिए आपको अगर इस आप जर्नल अगर बात करेंगे, तो अगर आप एस्पेरेंट हैं और आप काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं CSS के लिए, PCS के लिए, तो आपने बहुत सारे बुक्स से गो थ्रू किया होगा। वो सारे बुक्स, वो सारी आपकी जो पढ़ाई है, वो आपको हेल्प करती है टू क्वालिफाई स्क्रीनिंग, क्योंकि उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप टच कर रहे होते हैं, आप अंग्रेज़ी पढ़ रहे होते हैं, करंट अफेयर, तो वही चीज़ें हैं जो MCQ BCQ के फॉर्म में आ जाती हैं स्क्रीनिंग में। अगर आप स्पेसिफिकली पूछना चाहते हैं, या फिर आप ये है कि GK में थोड़े कमज़ोर हैं, आपको नहीं इतनी करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर की नॉलेज है, तो आप कोई बुक उठा लें जनरल नॉलेज की, किसी भी सीरीज़ की उठा लें। कारवान की एक आती होती है, मैंने उससे काफ़ी सेक्शंस किए थे स्क्रीनिंग क्वालिफाई करने के लिए, तो आप वो देख लें। उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पाकिस्तान अफेयर्स के, हिस्ट्री के, दूसरे, वो आप कवर कर लें। बाकी जो आपकी बेसिक स्क्रीनिंग पास करने की नॉलेज है, वो आपकी होती है आपकी खुद की तैयारी, जो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कर रहे होते हैं काफ़ी टाइम से। स्क्रीनिंग तो लास्ट मंथ्स में आ जाती है, तब तक तो आप काफ़ी प्रिपेयर भी होते हैं, तो इस तरह आपकी तैयारी हो सकती है स्क्रीनिंग की। अच्छा, थियरी पोर्शन जो होता है, मतलब जो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसको ही आप क्वालिफाई करके फिर इंटरव्यू फेज़ की तरफ जाते हैं और तभी उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंग्रेज़ी, इंग्लिश। जिसकी इंग्लिश अच्छी है उससे ये एग्ज़ाम पास हो जाता है, मतलब इट्स अ फैक्ट कि इंग्लिश अच्छी है तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। अब अक्सर मुझसे एस्पिरेंट्स पूछते होते हैं, जिनको मैं पर्सनली गाइड करती हूँ, तो वो मुझसे पूछते हैं कि अच्छी अंग्रेज़ी और अच्छी इंग्लिश का क्या मकसद है। अच्छी इंग्लिश का मकसद है कि ग्रामेटिकली करेक्ट, सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। आपकी अंग्रेज़ी ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, और जो चेकर चेक कर रहा है उसको आपकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। देखिए, इंग्लिश हमारी कोई मदर टंग नहीं है, हम सब सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो उसमें यह है कि अगर हम इतनी कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेज़ी बोलेंगे या लिखेंगे, तो जो चेक करने वाला है या आपके इंटरव्यू में जो आपको सुनने वाला है, उसको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आपकी अंग्रेज़ी ग्रामेटिकली करेक्ट और सिंपल होनी चाहिए। अब स्टेप्स हैं इंग्लिश को कवर करने, क्योंकि आपकी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम का बेसिक जो है वो अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ी ठीक हो गई तो आपका एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाता है। अब स्टेप्स क्या हैं, स्टेप्स में जर्नल से स्पेसिफिक जाऊंगी। नंबर वन, ग्रामर को आपने तैयार करना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी होती है, अच्छी अच्छी स्कूलिंग करके आते हैं, तो उनको बिल्कुल नीड नहीं होती ग्रामर को टच करने की, वो डायरेक्टली ऐसे लिखना, प्रोसीजर अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं और उनको दिक्कत नहीं आती ग्रामर में। मगर हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनकी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं होती, हालांकि वो अच्छे स्कूल से भी आते होते हैं। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी ग्रामर में कोई भी मिस्टेक ना हो। उसके लिए आप क्या करें कि आप ग्रामर की बुक उठा लें, आपको जो ईजी लगती है, चाहे वो किसी भी आपने स्कूलिंग की है, किसी जगह से आपको वो बुक मिल जाती है। मैंने पर्सनली एजे थॉमसन किया था, काफ़ी एस्पिरेंट रैंडन मार्टिन को देखते होते हैं। आप ऐसी किताबें उठाएं, उसमें से जो पोर्शंस ग्रामर के आपको टफ टाइम दे रहे हैं, जो आपसे भूले हुए हैं अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम से, उनको आप रिवाइज़ कर लें और बिल्कुल पक्का कर लें। ग्रामर आपकी सेट हो गई, उसके बाद आप आ जाएँ सेकेंड स्टेप रीडिंग पे। ये मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, और उनका ये न्यू फेज़ है, वो बिगिनर्स हैं, तो आप कर लें रीडिंग कर लें। अब रीडिंग में ये चीज़, रीडिंग में दो मेरे हिसाब से रीडिंग दो हिस्सों में बटनी चाहिए। नंबर वन, एक होती है वो रीडिंग जो आप सिंपल किताबों की रीडिंग करते हैं। आपको शुरुआत जो रीडिंग को करनी है, वो करनी है बिल्कुल बेसिक बुक से, जिसमें अंग्रेज़ी सिंपल बताई गई हो। आप फिक्शन की किताबें उठा लें, फिक्शन में अंग्रेज़ी जो है बिल्कुल सादा होती है, सिंपल होती है, वो आपको इजी अंडरस्टैंड आप कर लेते हैं, आपको मज़ा भी आता है पढ़ने का, स्टोरीज़ अच्छी होती हैं। पॉलो कोलो के उठा लें, खालिद हुसैनी की बुक्स उठा लें, उनमें से आप कुछ नॉवेल्स पढ़ेंगे, आपकी रीडिंग की आदत बनेगी, आपकी अंग्रेज़ी इंप्रूव होगी। जब आप ये रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप उन बुक्स की रीडिंग करना शुरू करें जो CSS या PCS या किसी आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प आउट करें। जैसे कि मेकिंग ऑफ पाकिस्तान किताब है, पाकिस्तान हार्ट कंट्री बुक है, उनमें से क्या होगा कि आपकी इंग्लिश भी ठीक होगी और आपको साथ साथ CSS के सब्जेक्ट्स के लिए नॉलेज भी और इंफॉर्मेशन भी जमा होती जाएगी। थर्ड स्टेप होता है रीडिंग का न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर जो है, आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको, एस्पिरेंट्स को पता ही होगा कि आपको एडिटोरियल्स और ओपिनियंस को टच करना होता है, वो आपको पढ़ने होते हैं। उसमें भी आपकी इंग्लिश ठीक होगी और साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज, मतलब करंट अफेयर्स आपके तैयार होते रहेंगे। अब जब न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई भी अच्छी किताब पढ़ें,
तो आपने करना ये है कि उस किताब के और न्यूज़पेपर के अंदर जो अच्छे फ्रेजल वर्ब्स हैं, जो अच्छी सेंटेंसेस लिखे हैं, अपनी नोटबुक्स में लिखें और उनको अपने एसेज में और अपनी प्रोसीज में या अपनी जो भी आप सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट्स लेंगे उनको अटैम्प्ट करेंगे आंसर्स, उनमें आप वो पुट करें। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग जो है ना वो अच्छी होगी बाकी एस्पिरेंट से। तो ये चीज़ें भी किया करें। अब जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं, आप आपकी रीडिंग भी आदत है, आप ग्रामेटिकली भी सही हो गए हैं, आप रीडिंग भी कर रहे हैं, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप आ जाएं प्रॉपर अपनी तैयारी पे, जो आपके सब्जेक्ट्स की तैयारी। इंग्लिश अच्छी हो जाएगी तो बाकी सब्जेक्ट्स आपके ईजिली तैयार हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं पेश होगी।